तो मालूम हुआ कि ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ अल्पसंख्यक समाज मुसलमान की बात नहीं करता, असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ दलितों की या अति पिछड़ा आदिवासियों की बात नहीं करता, असदुद्दीन ओवैसी जो कमजोर है उसको ताकतवर बनाने की बात करता था और करता रहेगा। हमने कभी भी मजहब के नाम पर भेदभाव नहीं किया। मेरी कोई एक ऐसी तकरीर दिखा दो जहां पर मैंने किसी समाज या किसी मजहब के बारे में कहा मेरी लड़ाई संविधान बचाने की है। अगर जुल्म हमारे हिंदू भाई पर होगा तो मैं मुबारकपुर के हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह आज ओवैसी यहां खड़े होकर कह रहा है तुम पुकारो मैं दौड़ता हुआ तुम्हारे साथ खड़ा हो जाऊंगा तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए। अगर मुबारकपुर का दलित आवाज देगा कि ओवैसी आ जाओ अंबेडकर के संविधान को बचाना है, अंबेडकर के मान और सम्मान को उठाना है, तो खुदा की कसम ओवैसी उस दलित परिवार के साथ खड़ा होकर लड़ाई लड़ेगा।